सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज के इस वीडियो के अंदर ऐसे पांच स्मार्टफोन्स देखने वाले हैं जो कि 5G बेस्ट स्मार्टफोन्स होंगे और 20,000 के अंदर होने वाला है। सो गाइस 20,000 के अंदर स्मार्टफोन्स कम से कम इस फीचर्स के साथ होना ही चाहिए, लेना ही चाहिए आपको, जैसे कि स्मार्टफोन्स 4G को छोड़ ही देना, 5G स्मार्टफोन्स एटलीस्ट होना ही चाहिए एंड 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट या तो फिर 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, ये दोनों कम से कम होना चाहिए 20,000 रुपये के अंदर वाला स्मार्टफोन्स में। एंड गाइस यहाँ पे स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 या फिर स्नैपड्रैगन 695, ये दोनों प्रोसेसर जो कि सिमिलर होते हैं, ये एटलीस्ट होना ही चाहिए 20,000 के अंदर वाले स्मार्टफोन्स में। साथ ही यहाँ देखने वाले 128 GB का स्टोरेज प्लस 6 GB या 8 GB दोनों में से एक कम से कम होना ही चाहिए 20,000 के अंदर। साथ ही 5000 mAh की बैटरी भी होना चाहिए, फास्ट चार्जिंग भी होना चाहिए, काफ़ी ज़बरदस्त 20,000 रुपये के अंदर। सो ये सब मिनिमम क्राइटेरिया है इस स्मार्टफोन्स में जो कि 20,000 के अंदर टॉप 5G स्मार्टफोन्स के बारे में इस वीडियोज़ के अंदर बात करने वाली हूं। सो इस वीडियोज़ में अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर मैं 5th नंबर पर रखूंगी सैमसंग गैलेक्सी A15 5G स्मार्टफोन्स को, जो कि परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी डिसेंट है। ये स्मार्टफोन्स स्पेशली उन लोगों के लिए जिसे सैमसंग गैलेक्सी का स्मार्टफोन्स चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त चाहिए 20,000 के अंदर। सो गाइस ये स्मार्टफोन्स स्पेशली उन लोगों के लिए है। सो इसकी सबसे पहले मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सिनस 1330 प्रोसेसर इसमें प्रोवाइड किया गया है जो कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल का हो जाता है इस प्राइस रेंज के अंदर। साथ ही इस डिस्प्ले सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पे 6.6 इंचेस का 90 हर्ट्ज़ हाई रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD प्लस IPS LCD देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें डिस्प्ले में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल जाती है। बाकी इसकी प्रोसेसर के लिए स्पेशली ये स्मार्टफोन्स काफ़ी बेटर है। एंड गाइस यहाँ कैमरा सेटअप की बात करूँ तो 50+2+2 मेगापिक्सल का यहाँ कैमरा भी दिया गया है, जो कि कैमरा सेटअप में भी थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल जाती है। एंड 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा प्रोवाइड किया गया है। एंड गाइस ये स्मार्टफोन्स आपको ऑफर्स के साथ अंडर 20,000 देखने को मिल जाता है। इसमें डिस्प्ले काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता तो और भी ज़्यादा डिसेंट हो जाता ये स्मार्टफोन्स फुल मिला के। सो गाइस वीडियोज़ में आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट के अंदर 4th नंबर पर रखूँगी मैं Realme 10 Pro 5G स्मार्टफोन्स को, जो कि Realme 10 Pro 5G स्मार्टफोन्स का सिमिलर ही स्पेसिफिकेशंस कैरी करता है OnePlus Nord C 2 लाइट स्मार्टफोन्स एंड Realme 9 Pro स्मार्टफोन्स। दो तीनों ही स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशंस सिमिलर ही, ये तीनों में से आप किसी एक को ले सकते हो। बट गाइस यहाँ पे Realme 9 Pro 5G स्मार्टफोन्स में आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है बट Realme 10 Pro में नहीं देखने को मिलता है। सो गाइस Realme 10 Pro की कम्प्लीट स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 695 वाला चिपसेट इसमें प्रोवाइड किया गया है जो कि काफ़ी पावरफुल है एंड 6nm बेस्ट है। अब डिस्प्ले सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पे 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD में दिया गया है 120 हर्ट्ज़ हाई रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही यहाँ पे 240 हर्ट्ज़ सैम्पलिंग रेट एंड 680 निट्स पिक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। बैटरी परफॉर्मेंस में काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है, यहाँ 5000 mAh की बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। एंड गाइस Realme 10 Pro में 108 मेगापिक्सल का यहाँ पे प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाएगा 19,999 में। सिमिलर ही अपराइजिंग है तीनों ही स्मार्टफोन्स का, तो अल्ट्रा वाइड चाहिए तो आप Realme 9 Pro के साथ जा सकते हो। ये तीनों ही स्मार्टफोन्स में से कोई भी आप एक परचेज कर सकते हो। सो गाइस इस लिस्ट में आप 3 नंबर पे मैं रखूंगी Redmi Note 12 5G स्मार्टफोन्स के, जो कि काफी सुपर हमें देखने को मिल जाता है। इसकी डिस्प्ले सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पे 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही गाइस 240 हर्ट्ज़ सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट एंड 120 हर्ट्ज़ हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे 1200 का निट्स पिक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कुल मिलाकर ये स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले सेटअप काफी जबरदस्त है AMOLED पैनल के साथ, यहाँ पे परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त हमें देखने को मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 का प्रोसेसर इसमें प्रोवाइड किया गया है जो कि 6nm बेस्ट है। एंड ये स्मार्टफोन्स Android 12 के ऊपर जाता है, 2 ईयर मेजर अपडेट्स का भी देखने को मिल जाता है सपोर्ट। एंड इस कैमरा सेटअप यहाँ पे 48+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है। सो गाइस ये काफी स्मार्टफोन्स डिसेंट कैमरा प्लस यहाँ पे डिस्प्ले भी काफी डिसेंट है, परफॉर्मेंस भी आप कुल मिला के इस स्मार्टफोन्स के साथ भी जा सकते हो। यहाँ 5000 mAh की बैटरी दिया गया है, 33W फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है इस स्मार्टफोन्स के अंदर। सो गाइस ये स्मार्टफोन्स आप 20,000 के अंदर ले सकते हो, इस स्मार्टफोन्स को भी परचेज कर सकते हो। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियोस के अंदर। सो यहाँ पे नंबर 2 पे रखूंगी मैं इस लिस्ट के अंदर Moto G82 5G स्मार्टफोन्स को, जिसकी सबसे बेस्ट थिंग यहाँ पे ये है कि क्लीन UI एक्सपीरियंस काफी डिसेंट हमें देखने को मिल जाते हैं, काफी सुपर
फर्क देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन्स के अंदर। यूजर एक्सपीरियंस काफी बेस्ट है। एंड गाइस यहाँ कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695G प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है जो कि काफी पावरफुल है ये भी। एंड यहाँ पे आपको 13 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। एंड गाइस ये स्मार्टफोन्स की ओरिजिनल प्राइस की बात करूँ तो 24,999 है, बट ऑफर्स के साथ आपको 20,000 के अंदर ये स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाता है। बहुत ही पतला एंड लाइट वेट फोन है ये हमें देखने को मिलता है। एंड गाइस डिस्प्ले सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पे 6.6 इंचेस का फुल HD+ OLED स्क्रीन साइज देखने को मिल जाता है जिसमें 10-bit पैनल का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। 120Hz हाई रिफ्रेश रेट एंड 360Hz सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी कैमरा सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पे 50+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें अल्ट्रा वाइड भी दिया गया है एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा प्रोवाइड इसमें किया गया है। कुल मिला के ये स्मार्टफोन काफी जबरदस्त है। 20,000 के अंदर ऑलराउंडर आप देख सकते हो इस स्मार्टफोन को भी, स्पेशली फॉर क्लीन UI एंड एक्सपीरियंस काफी डिसेंट इसमें देखने को मिल जाते हैं, तो आप इस स्मार्टफोन्स के साथ भी जा सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट आप लास्टली बात कर लेते हैं जो कि ओवरऑल डिसेंट स्मार्टफोन्स इस लिस्ट के अंदर नंबर 1 पे आता है IQ G6 Pro 5G स्मार्टफोन्स जो कि ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स आप इसे बोल सकते हो। सारा कुछ इसमें बेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, सारे फीचर्स अंडर 20,000। सो गाइस इसकी कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर इसमें प्रोवाइड किया गया है। इसमें कोल 7 5G बैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 8GB 128GB का रैम वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 4700mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है इसको फास्ट में चार्ज करने के लिए। 66W फास्ट चार्जिंग इसमें प्रोवाइड किया गया है। साथ ही गाइस यहाँ पे ये AMOLED डिस्प्ले है तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स का सेंसर भी इसमें प्रोवाइड किया गया जो कि काफ़ी पावरफुल यहाँ पे परफॉर्मेंस के साथ यहाँ आपको डिस्प्ले सेटअप भी देखने को मिल जाता है। सो गाइस यहाँ डिस्प्ले सेटअप की बात करूँ तो 6.44 इंचेस का फुल HD+ सुपर AMOLED स्क्रीन दिया गया है जिसमें 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ 180Hz यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कैमरा सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शूटर भी देखने को मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा प्रोवाइड किया गया है। एंड गाइस ये स्मार्टफोन कुल मिला के इसकी डिस्प्ले परफॉर्मेंस एंड बैटरी कैमरा काफी जबरदस्त हमें देखने को मिल जाती है इस प्राइस रेंज के अंदर, ओवरऑल डिसेंट देखने को मिल जाता है। एंड गाइस इसकी ओरिजिनल प्राइसिंग की बात करूँ तो 20,999 है, बट इसे आप ऑफर्स के साथ 20,000 में ले सकते हो। ये स्मार्टफोन की एवरीथिंग इज बेस्ट स्मार्टफोन इसे बोल सकते हैं। सो गाइस ये ओवरऑल 5 5G बेस्ट स्मार्टफोन थे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियोस को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।